आजकल के मुलाजिम काम पे कम घर वालों पे ज्यादा नजर रखते हैं। मैं समझ रही हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो, लेकिन शायद तुम दिलावर को अच्छी तरह से जानती नहीं हो। अभी वह घर की मुलाजमाओं पर नजर रखना तो दूर की बात है, वो तो इसे यहाँ काम पर रखने के हक में भी नहीं था। वो तो ये कह रहा था कि इसे अपने घर पर रहना चाहिए, अपने माँ बाप के साथ, बच्ची है अभी, बल्कि इसे तो स्कूल जाना चाहिए। दिलावर का बस चले तो अपनी जायदाद ही दे दे मुलाजिमों को। क्या बात है आपकी बेटी को। चलो अब तुम आ जाओगी ना, ठीक कर लेना उसे। बल्कि मैं तो ये घर और इसके सारे मामलात भी तुम्हारी जिम्मेदारी बना दूंगी। तुम जानो और तुम्हारा घर, मैं तो अब कुछ नहीं करना चाहती, थक गई। अरे आंटी, मेरे लिए घर के काम से ज्यादा आसान ऑफिस का काम संभालना है, और वैसे भी इन कामों के लिए तो मुलाजिम है। ठीक है, जैसी तुम्हारी खुशी। सर, आपको शायरी पढ़ने का शौक है? हाँ, पढ़ने का भी और लिखने का भी। अच्छा, लगता तो नहीं है। मेरा मतलब है सियासत और शायरी का क्या जोड़? क्यों, सियासतदानों के सीने में दिल नहीं धड़कता? नहीं सर, मैं तो आपकी बात कर रहा था। जब से बाहर पढ़ने गया हूँ, मैंने अपने शौक को किताबों की हद तक महदूद रखा है, लेकिन आज भी उर्दू लिटरेचर मेरे दिल में बसता है। फैज अहमद फराज, इन सबको बहुत पढ़ा है मैंने। सर, अहमद फराज तो मेरे पसंदीदा शायर हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ दिन के लिए किताब ले जाऊं, पढ़कर वापस कर दूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल ले जाओ, इसमें कुछ एंड मैंने भी शेर रखे हैं, पढ़ के बताना। हिम्मत कर लो बख्तावर, सामने जाकर बताने की हिम्मत नहीं है तो फोन करके रिजाइन दे दो। माँ ठीक कहती है, झूठ की जिंदगी जीना धोखा देने जैसा है, वो भी इतने अच्छे इंसान को।